अब जो याद आइए ना, ये याद, ये 4 जून को जब हारने लगे ना सटासट, तो उनको याद आने लगेगा खटाखट और फिर भागने लगेंगे फटाफट। हमारा देश इतना गरीब था, इतना गरीब था कि भैया राहुल गांधी जी तो हवाई जहाज में बर्थडे मनाते थे, राजीव गांधी जी विदेश में पढ़ने जाते थे, राहुल गांधी जी विदेश में पढ़ने जाते थे, लेकिन हमारा देश इतना गरीब था 62 के युद्ध में सेना के पास जूते नहीं थे। इन्होंने कहा 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब सुई भी नहीं बनती थी, इनसे पूछना इनके बाप दादा पत्ता लगा करके भाग के आए थे पाकिस्तान से, सुई नहीं बनती थी, कपड़ा नहीं बनता होगा क्योंकि सुई से ही कपड़ा सिलेंगे, तो इनके बाप दादा पत्ता लगा करके आए थे आगे पीछे की भाग के जाओ हिंदुस्तान। इनको हमेशा देश की तरक्की से, देश की इज्जत से इनको कभी कोई मतलब नहीं रहा, हमेशा इन्होंने कांग्रेस की जो सरकार रही या जितने इनके दल बदलों के बीच में सरकार रही, हमेशा देश को कमजोर किया। आज सेना को छूट मिल गई, आज सेना के आगे अगर कोई आ जाए तो हमारी सेना पहले बोलती है भैया कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। क्या कह रहे हैं? हाँ वो क्या नाम है, ईवीएम वाली बात चल रही थी तो मैं ईवीएम की बात कर देता हूँ। ये ईवीएम का रोना, रोने वाले, फूट फूट कर रोने वाले, आंसू बहाने वाले, क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुद्दा डाला था ये गठबंधन वालों ने कि अगर हम जीतेंगे तो क्या नाम है, हम क्या नाम है बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्या इन्होंने ईवीएम हटा देंगे और क्या नाम है बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्या अपने इस गठबंधन के नेताओं ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में ये चुनाव ये मुद्दा डाला था? नहीं डाला था, है कि नहीं? नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई तो सच्चाई है, ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम ही बेनकाब होंगे, हमारा चेहरा बेनकाब होगा इस गठबंधन का। क्या लगता है क्या माहौल है 4 जून को क्या होने वाला है? देखते हैं, आप कह नहीं सकते मगर किसी मेरे को, मेरे हिसाब से तो राहुल सही है, राहुल सही है कि एक मौका राहुल को देना चाहिए क्योंकि दो मौका मिल सके मोदी को, एक मौका राहुल को, मतलब दो मौका मिल गया है मोदी जी को, इसलिए राहुल जी को अब इस बार मौका दे। देखते हम क्या होता है, पढ़ा लिखा इंसान है वो भी, देखते हम राहुल जी पढ़ा लिखा नहीं, सही बात है, धर्म के नाम पे होना चाहिए, एक ही हिंदू मुसलमान सब एक ही है, ये बात गलत है अंकल, आपकी बात गलत है, आपकी बात नहीं, वो कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण भाई एक है, धर्म के आधार सब अलग अलग नहीं, सब एक ही है, ये कांग्रेस को समझाओ ना, सब एक ही है, तो कांग्रेस नहीं समझ रही है बात, ये बात कांग्रेस नहीं समझ रही, अगर समझ रही होती तो क्या नाम है उनके नेताओं ने ये क्यों कहा था इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, क्या ये नफरत नहीं है, क्या ये बांटने, ये उनके लिए मोहब्बत है, बटला हाउस के अंदर ये उनके लिए भाई चारा है, ये उनके लिए मोहब्बत है, बटला हाउस के अंदर आतंकवादी को गोली मारी जाती है, उनको फर्जी एनकाउंटर मान करके सोनिया एंटोनिया माइना आंसू बहाती है, हमारे लिए एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा कि भाईचारा मतलब दो समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय को कह दिया जाए कि पहला हक इनका है तो वो भाईचारा है, भाईचारे से एक तरह का हम भाईचारा, भाईचारा मतलब एक एक तरफा देखा जाए वो भाईचारा है, इसको भाईचारा कहा जाता है। भाई बच्चा यार, नहीं नहीं क्या चीज कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं मान लिया दो पक्ष हैं, एक पक्ष को दे दिया जाए कि नहीं आपको मतलब स्पेशल ये पावर दिया जाता है उसको भाईचारा कहा जाएगा, तो पक्ष कौन सा ये बताइए, पक्ष तो दोनों ही हैं, दोनों बराबर। भाई साहब ने तो क्या कहा, भाई साहब तो कहा कि मतलब धर्म के आधार मतलब मुस्लिमों को अलग से जो है दिया गया। अरे हम क्यों कहें यार, इतनी अच्छी बात है, भाई साहब तो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था, जबकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटी ने बोला था, पिछड़े लोगों का है, जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण का पहला हक मिलना चाहिए। पिछड़े लोगों के लिए तो वैसे ही है भाई, एससी एसटी ये सब क्या है, ओबीसी क्या है, पिछड़ों के लिए तो बना है, ओबीसी भी था, ओबीसी खाली पिछड़ा है, एससी नहीं पिछड़ा है, एसएससी पिछड़ा नहीं है, आदिवासी पिछड़ा नहीं है, आप अगर अगर ये लोग पिछड़े में नहीं आते, आप झारखंड में जाके देखिए आज भी लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं जिनके पास झोपड़ी भी नहीं, नसीब झोपड़ी भी नहीं कह सकते मैं उनको, पिछड़े वो भी है ना यार। आप जब कह रहे हो भैया मेरे ना आज भी दो लोग का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, जिनके 6 लोग हैं हमारे पास भी है, हमारे दोस्त नहीं बनाना भैया, मेरे तो 4 के पास नहीं है, हाँ तो मैं अपनी तो बताऊंगा, देखिए जिस पे भीजी वही बताएगा ना, हम आयुष्मान बनाने गए, आयुष्मान कार्ड बनाने गए तो भैया कह रहे तुम कितने लोग, मैंने जी मैं और मेरे दो बच्चे, तो कह रहे भाई साहब आपका नहीं बन रहा, अभी सक्षम होंगे तो क्या जरूरत है आयुष्मान कार्ड। अरे भैया प्रधानमंत्री योजना दे दिए उसको लेना ही लेना, 18%
परसेंट टैक्स देते हैं भैया हम तो। अच्छी बात है, सक्षम है तो देते हैं देश के लिए, क्या गलत है? हम मिलना चाहिए हमें, अगर हम कुछ दे रहे हैं। अभी वही तो बात कर रहे हो, अगर जो सक्षम है उसको मिलना चाहिए, अगर मान लिया जो गरीबी रेखा के नीचे है या पिछड़ी उनको मिलना चाहिए। अगर आप सक्षम है नहीं ले रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? 80 करोड़ में हम भी तो देश योगदान दे रहे हैं अपना, ऐसा क्यों नहीं सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा योगदान है? 80 करोड़ में हम है कि नहीं है? काहे नहीं है? तो फिर हम भी तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ को गरीबी रेखा के नीचे वालों को खाना दे रहे हैं, तो हम प्रभु तो बतौर रिकॉर्ड ही तो कहा होगा, आप नहीं होंगे उसके अंदर तो नहीं पाते भाई, फिर पाते होंगे हम तो नहीं, तो फिर तो राशन पाते। अरे बता तो ना, सुनिए, हम राशन लेने गए, जैसे हमने अंगूठा लगाया हमारा राशन कार्ड ही बंद हो गया साला, अब बताइए क्यों बंद हो गया? तो हमने कहा भैया, अपने कोटेदार से पूछा, आप अकेले बंदे नहीं हो, जाकर राशन वाले दुकान पे देखिए लाइन लगती है। हमने पूछा भैया हमारा कहाँ राशन कार्ड बंद हो गया, करे भैया अब ये तो हमें नहीं पता। तो हमने गए मतलब नगर निगम गए, हमने पूछा उससे, भाई साहब हमारा नाम कट गया। बोले भाई साहब आप GST भरते हो क्या? मैंने यार गलती तो हम करते ही हैं, अब गलती हमसे हो रही है, क्या करें? अब ये बताओ GST भरने लायक कमा रहे हैं अगर भरते हैं? मैं सोने का चैन पहन के चांदनी चौक में 2000 मोबाइल लेके जाएंगे या 80 करोड़ पर सवाल उठा रही है? 80 करोड़ जनता को दे रही है मोदी, उस पर सवाल उठा रही है चैन पहन कर? ये सर माना जनता गरीब थी, 10 किलो राशन का आहान हो गया है, भाई साहब को भी राशन कार्ड याद आ गया है। अब जनता गरीब नहीं है, अब जनता गरीब नहीं है। हम अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हैं, सुने हमारी बात, हम चाहते हैं कि 8500 उसे मिले। अच्छा। हमारी बीबी है, हम चाहते हैं हमारी बीबी को 8500 मिले। राहुल गांधी दे, अरे जो ना प्यार करता हो वो 8500 ना ले। सुन लो बीबी को मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है और राहुल के गारंटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे पता है मोदी जी अगर कहेंगे तो मुझे मिल भी जाएगा, पर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पप्पू मुझे नहीं दे सकता है। इसलिए 8500 रुपए महीना और 1 लाख रुपए सालाना, इनसे मेरे को बता दो देंगे कैसे? हमारे जो देश का बजट है वो है 47 लाख करोड़ का, 1,40,000 करोड़ की हमारी आबादी है, ठीक है जी, उसके अंदर लगभग मैं कम से कम बोलता हूँ 50 करोड़ तो महिलाएं होंगी, 1 लाख रुपए सालाना 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए, 47 लाख करोड़ तो देश का बजट है, 3 लाख करोड़ रुपया बाकी का कहाँ से आएगा बता दो। इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चुनूंगा जो गरीब महिलाएं हैं, ये नहीं कहा, एक सवाई जड़ नहीं बोला है उन्होंने कहा कि जो मैं से चुन लिए होते, जब 60 साल दादा दादी माँ बाप सब सत्ता में 60 साल रहा, तब क्यों नहीं याद आई? तब तो याद नहीं आया, ये इनके कारण क्या है? अब जो याद आइए ना, ये याद, ये 4 जून को जब हारने लगे ना 67, तो उनको याद आने लगेगा खटाखट, और फिर भागने लगेंगे फटाफट। कांग्रेस के 3-3 प्रधानमंत्री रहे, 3-3 वो गरीबी खत्म नहीं कर पाए। अगर अब आएगी, अगर इनकी सरकार आ गई तो फटाफट बताऊं कौन आएंगे? आतंकवादी आएंगे फटाफट फटाफट, बम ब्लास्ट होंगे फटाफट। एक मिनट, 3-3 प्रधानमंत्री रहे फिर भी आज वही स्थिति है, 1,08,000 रुपया महीना दे। भाई समझाना बड़ा मुश्किल है, मैंने आपसे कहा राहुल गांधी ने कहा मैं चुनूंगा जो गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। अब आप इसकी गणना करिए, सुनिए, प्रधान जब हमारा देश आजाद हुआ पहले प्रधानमंत्री, तो हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, फिर हम देश को बनाना सिखाया, फिर खाना सिखाया, फिर ऐसे ऐसे कपड़े पहनने सिखाए, फिर ऐसे ऐसे नमूनों को पोलियो हैजा चेचक के ड्रॉप लगवाए जिससे ये कुछ पढ़े, फिर सरकारी स्कूल बनाए, सारी संस्था बनाई, एम्स बनाया। सुन तो ले भैया, मैं तो छीन ले गया, और सुनो, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए हिम्मत दी, और आज यही उनको आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब सुई भी नहीं बनती थी, इनसे पूछना इनके बाप दादा पत्ता लगा करके भाग के आए थे पाकिस्तान से, सुई नहीं बनती थी, कपड़ा नहीं बनता होगा क्योंकि सुई से ही कपड़ा सिलेंगे, तो इनके बाप दादा पत्ता लगा करके आए थे आगे पीछे की भाग के जाओ हिंदुस्तान बंटवारे का, पहली बात। उसके बाद हमारा देश इतना गरीब था कि भैया राहुल गांधी जी तो हवाई जहाज में बर्थडे मनाते थे, राजीव गांधी जी विदेश में पढ़ने जाते थे, राहुल गांधी जी विदेश में पढ़ने जाते थे, लेकिन हमारा देश इतना गरीब था 62 के युद्ध में सेना के पास जूते नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं थी, लेकिन आज हमारा देश 10 सालों के अंदर इतना बढ़िया हो गया, और ये कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ ना करके आज हम हथियार बेचने वाले बन गए, आज सेना को छूट मिल गई, आज सेना के आगे अगर कोई आ जाए तो हमारी सेना
सेना पहले बोलती है भैया कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। आज हमारी सेना बोलती है 15 लाख चाहिए सेना पे पत्थर बरसे तो बरसे, इनको 15 लाख चाहिए हिंदुस्तान के अंदर बम फूटे तो फूटे। चलिए इनको हमेशा देश की तरक्की से, देश की इज्जत से इनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। हमेशा इन्होंने कांग्रेस की जो सरकार रही या जितने इनके दल बदलों के बीच में सरकार रही, हमेशा देश को कमजोर किया है। देश को मजबूत करने का काम 10 साल में अगर किया तो मोदी ने किया, जिसकी लोहा विदेश भी मानता है, विश्व भी मानता है। आज जिसका यूक्रेन युद्ध में भी देखा, और हमारा जवान जो पाकिस्तान में गिर गया था 24 घंटे में वापिस आया, और ये लोग क्या बात करेंगे जो आतंकवादियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला करके बिरयानी खिलाए, पाकिस्तान से बात करें। अरे हम प्रधानमंत्री के पाकिस्तान गए थे तो उसके लाहौर में जाकर उसके औकात को देख के आए, तभी तो आज आटा बिक रहे हैं 400 रुपए किलो वहाँ पर। मैं तुम क्या जानो देश की हाल, देश को लूटने वाला देश की हाल क्या जाने। आज यही कारण है कि मोदी जी के गारंटी पर देश की जनता भरोसा कर रही है।